ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 नंबर टॉपिक जो हाइड्रोजन चैप्टर का है, हाइड्राइड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यह हाइड्राइड्स का तीसरा पार्ट है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक है आज का मेटालिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इंटरस्टियल हाइड्राइड्स, मतलब इसका तीन नाम है। इसको मेटालिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, या इंटरस्टियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। धात्विक मेटालिक का हिंदी होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक का हिंदी होता है और समीकरण मितीय, और इंटरस्टियल का अंतराकाशीय, इसका हिंदी नाम इस प्रकार है, धात्विक हाइड्राइड्स या और समीकरण मितीय हाइड्राइड्स या अंतराकाशी हाइड्राइड्स। और दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्म बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब इस प्रकार के हाइड्राइड्स डी और एफ ब्लॉक के तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। इट इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन पूछता है कि यह और समीकरण मितीय क्यों होते हैं या यह नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्यों होता है, तो इसका यही हिंदी होता है कि सॉरी इसका यही उत्तर होता है कि हाइड्रोजन की कमी के कारण, माने इसको पूर्ण रूप से हाइड्रोजन नहीं मिल पाता है, जितना इसको आवश्यकता होती है उतना नहीं आकर के कम ही आता है। इसके जो इंटरस्टियल साइट है वहाँ पर हाइड्रोजन आके रुकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो स्टोकियोमेट्रिक है वह पूरा नहीं हो पाता है, और इसके वजह से इसको हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक के हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के कमी के कारण, यहाँ पर कमी छूट गया है, हाइड्रोजन के कमी के कारण ये असमीकरण मितीय होते हैं। कह रहा है मेटल्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक प्लस एच टू एक साथ मिलाएंगे, डी एंड एफ ब्लॉक के मेटल्स को, धातु को मिलाएंगे और एच टू को मिलाएंगे, और उच्च प्रेशर की आवश्यकता होती है तब जाकर के मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं। उसके बाद है मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 ऑफ डी ब्लॉक, मैंने डी ब्लॉक के जो वर्ग 7, 8 और 9 में जितने भी मेटल्स हैं, टू नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, मैंने ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, दिस ग्रुप आर कॉल्ड हाइड्रोजन ग्रुप। यह एक प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर प्रोफेसर के महतो के अनुसार, कि ये जो वर्ग 7, 8 और 9 के जो तत्व हाइड्राइड्स का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इनको हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप में रखते हैं। इसका हिंदी है कि डी ब्लॉक के वर्ग 7, 8 और 9 के धातु मेटालिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, जिसे हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। फ्रॉम ग्रुप 7 और इसके छठे वर्ग से, माने डी ब्लॉक के छठे वर्ग से केवल एक ही हाइड्राइड्स मिल पाता है, और वह है क्रोमियम हाइड्राइड CrH। कह रहा है कुछ मेटल हाइड्राइड्स हैं चाहे नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स हैं, इसका एग्जांपल है जैसे LaH 2.0, माने एच का मान है 2.87, YbH एच का मान है 2.55, TiH एच का मान है 1.5 से 1.8 के बीच, ZrH यहाँ पर एच का मान है 1.3 से 1.75, और यहाँ पर VH है वैनेडियम हाइड्राइड, इसमें एच का मान 0.56 है, और NiH इसमें एच का मान 0.6 से 0.7 है, और PdH यहाँ पर एच का मान 0.6 से 0.8 है। कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाइड इंटरस्टियल प्लेस इन मेटालिक लैटिस, मतलब हाइड्रोजन जो परमाणु हैं ये धात्विक जालक में अंतराकाशीय स्थान को घेर लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग इंटरस्टियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। कह रहा है दीज हाइड्राइड्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हाइड्राइड उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर एक हिंदी में सब दिखा है कि अपने जनक धातु से कम, मैंने जितना इसके जनक धातु का, मैंने प्योर अवस्था में जो धातु का हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मैंने चालकता क्षमता है,
उससे इसके हाइड्राइड का कम होता है, क्वेश्चन में पूछ भी देता है। अब है रिसेंट स्टडी, माने अभी अभी तत्काल अध्ययन से पता चला है, एक्सेप्ट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ निकेल पी डी सी एंड ए सी, देयर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लेटेस्ट डिफरेंट फ्रॉम हीट ऑफ पेरेंट मेटल्स। तत्काल अध्ययन से पता चला है कि निकेल पी डी सी और ए सी के हाइड्राइड्स को छोड़कर इस वर्ग के अन हाइड्राइड्स अपने जनक धातु के तुलना में भिन्न संरचना रखते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है, इसकी अध्ययन आगे है। कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रांजिशन मेटल इज वाइडली यूज्ड इन कैटालिटिक रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। मैंने कह रहा है कि संक्रमण धातुओं पर हाइड्रोजन के अवशोषण गुण को उत्प्रेरकीय अपचयन अथवा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं द्वारा अनेक यौगिक बनाने में बृहद उपयोगी होता है। कह रहा है सम मेटल्स, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सम मेटल्स, सम ऑफ मेटल्स जैसे पी डी और पी टी कैन एकोमोडेट ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर फॉर कैन बी यूज एज स्टोरेज मीडिया। दिस प्रॉपर्टीज हैज हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ धातुएं जैसे पी डी और पी टी हाइड्रोजन के बृहद आयतन को अपने में समायोजित कर लेते हैं, अतः इन्हें भंडारण माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पूछता है कि हाइड्रोजन के भंडारण के रूप में किन धातुओं का बृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा पी डी और पी टी, दो धातुएं। हाइड्रोजन भंडारण और ऊर्जा स्रोत के रूप में इस गुण के प्रयोग की प्रबल संभावना है। थैंक यू।